हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन BIFT यूट्यूब क्लासेस एंड योर क्लासेस BCom फर्स्ट ईयर एंड योर सब्जेक्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज जो हम डिस्कशन करेंगे उन दो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, सॉरी बिजनेस इकोनॉमिक्स, और दूसरा है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया था वो हमने कि भाई आपकी व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, साथ के साथ उसकी आपके क्या नेचर्स होते हैं, ठीक है, क्या स्कोप होते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस है उसमें लिखा हुआ है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कवर्स वेरियस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सच एज डिमांड सप्लाई शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जब हम इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला क्या है कि हमारा जो भी बिजनेस होता है, ठीक है, तो हम वहां पर विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई क्या मार्केट के अंदर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड रहने वाली है और क्या उसकी आपकी वहां पर सप्लाई रहने वाली है। क्योंकि हम क्या करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं जिसमें हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई हमारी मे बी मार्केट के अंदर हमारी कितनी डिमांड हो सकती है, उसी के हिसाब से हम अपना क्या करेंगे, उसी के हिसाब से हम अपनी सप्लाई का भी अरेंजमेंट करके वहां पर चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली आपकी फर्स्ट इम्पोर्टेंस हुई। दूसरा इसमें क्या था कि शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट, कि जो शॉर्ट टर्म के लिए कितनी कॉस्ट की हमें रिक्वायरमेंट है और जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए हमें कितने रिक्वायरमेंट है। तो इन सब में आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है वो आपका हेल्पफुल होता है डिमांड और सप्लाई को एनालाइज करने में, और साथ के साथ उसे आपका लॉन्ग रन कॉस्ट और जो आपकी शॉर्ट रन कॉस्ट आपकी होती है। ठीक है, इसके बाद जो इसके सेकंड इम्पोर्टेंस है, इसकी कि इट हेल्प्स मैनेजर टू आइडेंटिफाई एंड एनालिसिस वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली हेल्पफुल होती है या हेल्प करती है किस चीज के लिए, टू फाइंड आउट द इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स क्या, कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली अफेक्ट करती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नली मीन्स बाहर से अफेक्ट करती है। इंटरनली की बात करें हम तो इंटरनली आपका क्या होता है कि भाई आपकी पॉलिसीज होती हैं, आपकी एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, आपके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आउटसाइड में क्या हो रहा है, आपके कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, आपके सप्लायर्स वहां पर होते हैं, ठीक है, इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स होते हैं आपके, इसके अलावा फाइनेंशियर्स आपके होते हैं जो कि बेसिकली क्या होते हैं आपके एक्सटर्नल। ठीक है, तो हमने जब इसके बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में स्कोप में बात की थी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा बिजनेस एनवायरमेंट होता है उसे भी आइडेंटिफाई करते हैं, तो उससे हमें हेल्प क्या मिलती है कि जो भी हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं या जो भी हमारे आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और उनके इम्पैक्ट को हम वहां पर फाइंड आउट करके चलते हैं कि उनका जो इम्पैक्ट है कि भाई मे बी पॉजिटिव होगा या उनका इम्पैक्ट जो है मे बी आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जो आपकी इसकी थर्ड इम्पोर्टेंस है वो है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स मैनेजर इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसी सच एज प्राइसिंग पॉलिसी कॉस्ट पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टडी एंड फाइंडिंग्स। दूसरा, कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है, वो किसी भी मैनेजर के लिए हेल्पफुल होती है जब वो कोई भी प्राइसिंग पॉलिसी बनाता है, जब वो कोई भी कॉस्ट पे रिलेटेड आपकी पॉलिसी बनाता है, किस भी आप कि जो हम सारी स्टडी करके चलते हैं कि भाई किस तरीके से क्या क्या चीजें किस तरीके से वहां पर वर्क करेंगी, तो उस हिसाब से क्या होता है कि किसी भी मैनेजर के लिए वो हेल्पफुल होता है प्राइसिंग पॉलिसी बनाने के लिए, साथ के साथ आपकी जो आपकी कॉस्टिंग पॉलिसीज होती है या कॉस्ट से रिलेटेड आपकी पॉलिसीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, इसमें है आपका बाय स्टडी वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज कॉस्ट प्रोडक्शन
business capital, organization can predict the future. Next importance क्या है कि जब आप cost के बारे में study करते हो, production के बारे में आप study करते हो, साथ के साथ capital के बारे में study करके चलते हो, उन्हें analyze करके चलते हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए helpful होती है in future planning या in future decisions कि भाई आगे चल के क्या हो सकता है. यदि suppose करो हमने तीन situation बनाई, A situation, B situation, C situation, कि A situation हुई तो हमारा क्या plan रहेगा, बी सिचुएशन हुई तो हमारा क्या प्लान रहेगा, या सी सिचुएशन हुई तो हमारा आगे क्या प्लान रहेगा वहां पर. ठीक है, तो वो सारी चीजें कहां पर आपके लिए हेल्पफुल होती है, जब आप बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हो तो आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन में ये हेल्प आपके वहां पर करती है. ठीक है, इसके बाद आता है कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन different economic factors such as income, profit, loss, market, structure. हम जब हम business economics की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके हमारे लिए helpful होती है कि भाई जो भी हमारे factor of production होते हैं या जो जो हमारे factors हमारे business के अंदर use होते हैं तो हम उनके बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन करें, क्योंकि क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं या जितने भी फैक्टर्स होते हैं सब एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, दे अफेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं वहां पर अफेक्ट करके चलेंगे, हर किसी का हर किसी के ऊपर जो है आपका एक इम्पैक्ट वहां पर होता है. तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी है वो हमारे लिए इसमें भी आपकी हेल्पफुल होती है कि आप किस तरीके से जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं, उनमें किस तरीके से हम रिलेशनशिप मेंटेन करके चले, किस तरीके से वो एक दूसरे को के ऊपर अफेक्ट वहां पर डाले. ठीक है, अब इसके बाद ये तो हुई हमने बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा कि भाई उसके नेचर क्या होते हैं, स्कोप क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है. अब हम जो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की यदि हम बात करें तो एक बहुत नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की आपकी एक लिस्ट होती है हमेशा ही जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं. उसका मेन रीजन है क्या कि जब हम बात रिसोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है, एक्चुअली है क्या कि जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, बट हमें क्या करना होता है उन्हीं लिमिटेड जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं, पीपल्स होते हैं, जो सोसाइटी होती है उसकी हमें नीड फुलफिल करके चलनी होती है. क्योंकि क्या होता है हर कोई इंडिविजुअल है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिमांड होगी, अपनी अपनी अलग उनकी वॉन्ट्स होगी. तो ये जरूरी नहीं है कि भाई हर कोई इंडिविजुअल है, हर कोई बात सोचकर बैठता है कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, बट एग्जैक्ट होता क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल लिमिटेड अवेलेबल होते हैं. तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि उन्हीं रिसोर्सेज से लोगों की जो भी नीड्स होती है उन्हें हमें फुलफिल करके चलना होता है. तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है बट जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपकी बहुत ज्यादा है. वो जो एक गैप आपका हमेशा आता है वो हमेशा ही आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. अब सपोज करो हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, ठीक है, अब कोई भी इंडिविजुअल है, यदि और बहुत सारे इंडिविजुअल्स को लो, तो यदि हम बात करें सबकी जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस होती है वो सेम नहीं होती है. ठीक है, किसी पे कम है नहीं, किसी पर ज्यादा है, किसी पर मीडियम है, बट जो बॉन्ड्स होती है सबकी वो कि मुझे ये भी हो, मेरे पास ये भी हो, मेरे पास ये भी हो, तो वहां पर क्या हुआ, लेकिन वहां पर क्या है, रिसोर्स लिमिटेड है, कम वाले के पास तो लिमिटेड पैसा है तो वो उस चीज से कंपेयर अपनी नहीं कर सकता. तो वॉन्ट्स सबकी बहुत ज्यादा होती है बट ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत होती है. ये तो बात करेंगे अपने इंडिविजुअल लेवल पर. यदि हम नेशनल लेवल पर बात करें तो यही प्रॉब्लम जो है गवर्नमेंट के सामने होती है कि भाई पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, अब जो हर कोई गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन करने लगे कि भाई ये भी बेनिफिट मुझे मिले, ये बेनिफिट भी मुझे मिले, ये बेनिफिट भी मुझे मिले, तो वो आपका गवर्नमेंट के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं होता. तो गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, जो सिलेक्टेड पीपल्स होते हैं उन्हें फर्स्टली आइडेंटिफाई करती है और जिन्हें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उन्हें वो सर्विसेज प्रोवाइड वहां पर करती है.
मेन रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, बट जो लोगों की नीड है वो वहां पर आपकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि भाई जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं तो आपकी वो कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस। ठीक है, हम क्या गुड्स या हम क्या सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करें, वो हमेशा यदि हम बात करें गवर्नमेंट लेवल पर भी और आपके अदर्स लेवल पर भी, वो कहीं ना कहीं आपका एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि भाई हम क्या प्रोड्यूस करें। आप भी अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एक प्रॉब्लम आपके सामने भी होती है, पहले आप बहुत सारी चीजें देखते हो, फिर उसमें से जो आपको बेस्ट लगता है उसे आप सेलेक्ट करते हो, फिर उसके बाद आप आगे की प्रोसेसिंग वहां पर करते हो। तो पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी प्रॉब्लम होती है हाउ मच टू प्रोड्यूस कि कितना प्रोड्यूस करें, क्योंकि क्या होता है एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, कम हो जाए तो दिक्कत आपकी होती है, वो एक्सीड हो जाए या आपका ज्यादा हो जाए तो वो आपकी प्रॉब्लम होती है। तो एक इसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई हाउ मच टू प्रोड्यूस, किस तरीके से हम प्रोड्यूस वहां पर करें। इसके बाद आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस कि कैसे प्रोड्यूस करें। यदि हम आज की बात करें जैसे आपका कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वैक्सीन की बात हो रही है चारों तरफ, तो अब गवर्नमेंट के सामने दिक्कत क्या है कि भाई हाउ टू प्रोड्यूस कि कहां से कैसे हम जो है अब जो हमारी पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ है, यदि और कंट्रीज की बात करें कहीं पर 5 करोड़ है, कहीं पर 7 करोड़ है, कहीं पर 8 करोड़ है, कहीं पर आपकी 10 करोड़ है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन कितनी है 135 करोड़। तो ये गवर्नमेंट के सामने कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग फेस है, एक उसके सामने प्रॉब्लम है कि भाई कहां से हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स कि भाई कहां से हम इतनी वैक्सीन का अरेंजमेंट करेंगे, किस किस को सबसे पहले देंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपनी प्रायोरिटी सेट करती है कि भाई पहले हम इन लोगों को जो है वैक्सीन वहां पर देकर चलेंगे। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, सबको लगाना एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो कि कुछ आपकी डोज किसी कंपनी से लेगी, कुछ डोज किसी कंपनी से लेगी, कुछ डोज आपकी किसी अदर कंपनी से वहां पर गवर्नमेंट लेकर चलेगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस करें, यदि हम खुद भी अपनी बात करें, हम अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमारे सामने हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि भाई कौन हमारे टारगेटेड कस्टमर हो सकते हैं, किसे हम इस प्रोडक्ट को वहां पर जाके आपका सेल आउट कर सकते हैं, या कौन हमारा टारगेटेड पर्सन वहां पर हो सकता है। इसके बाद जो आपका होता है नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ओनर एंड कंट्रोलर ऑफ प्रोडक्शन। ओनर एंड कंट्रोलर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि यदि हम प्राइवेट बिजनेस की बात करें तो उसमें तो आप खुद ही होंगे, ठीक है, लेकिन यदि हम गवर्नमेंट जो भी आपकी जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है पीपल्स को, तो वहां पर ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि हम ये काम किसके माध्यम से कराएं, कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू कराएं, या किन किन लोगों पर, या किस पर्टिकुलर कंपनी को हम ये चीजें दें, जिससे कि सबको इक्वली वो मिल सके, सही से मिल सके। इसके बाद होता है एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन। एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसका किस तरीके से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, और वो किस तरीके से सही लोगों के पास वो जाए जिन्हें एक्चुअल में नीड होती है। अब इंडिया में क्या होता है कि भाई कोई भी आपकी योजना आती है, कोई भी प्लानिंग आपकी आती है, तो वो क्या होता है कि जिन लोगों को एग्जैक्ट चाहिए उन्हें वो सही से नहीं मिल पाती, जो अदर लोग हैं वो उसका वहां पर कहीं ना कहीं जो है बेनिफिट्स ले लेते हैं। पहले क्या होता था कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट हुआ उसके लिए फंड एलोकेट हो गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन टाइम था उसका 5 साल बनाने का लिए, वो कंप्लीट हो रहा है आपका 8 साल, तो वो कहीं ना कहीं वो दिक्कत क्या है एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन की, जो हम सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए। लास्ट वाला पॉइंट है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी क्या है, इन सब चीजों के साथ साथ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये रहती है कि भाई हमारी इकोनॉमी किस तरीके से ज्यादा ग्रोथ करके चले। ठीक, अब जैसे कोरोना था उसकी वजह से हमारी जीडीपी की ग्रोथ है वो माइनस में चली गई, तो अब सरकार के सामने जो गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है,
कि हम इसे किस तरीके से पॉजिटिव करें और किस तरीके से इसे हम आगे कंटिन्यूटी मार्ग पर लेकर चले। तो ये आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ी सिंपल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। थैंक यू।